साल था 1909। ये वो साल था जब इंडिया के मदुरई के पास में स्थित तेनी में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जो कि एक लाइट रेलवे लाइन थी। पर 6 साल बाद 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के कारण ये लाइन को क्लोज कर दिया गया। देन अगेन मदुरई और बोधी को कनेक्ट किया गया एक नैरो गेज रेलवे रूट से, जो कि फिर से बंद हो गया 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। भारत को आज़ादी मिलने के बाद समवेयर इन 1953 इस बार फिर से मदुरई और बोधी के बीच में एक मीटर गेज नेटवर्क का निर्माण किया गया और ट्रेन अपनी सर्विसेज यहाँ पे लगभग नेक्स्ट 58 ईयर्स तक देती रही, अंटिल फाइनली इन 2011 जब इस रूट को गेज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया। एंड फाइनली इन जून 2023 मदुरई से लेकर बोधी का ये रूट ब्रॉड गेज बनकर तैयार हो गया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है इसी मदुरई से लेकर बोधी नायक कन्नूर के रेलवे रूट पे, जो कि एक ब्रांच लाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आ पहुँचा हूँ तमिलनाडु के मदुरई शहर के मदुरई रेलवे स्टेशन पे, जो कि आता है साउदर्न रेलवे के मदुरई डिवीज़न के अंडर। और आज यहाँ पे हम करने वाले हैं एक ट्रेन जर्नी, जो कि होने वाली है यहाँ मदुरई से लेकर एक बहुत ही न्यूली ओपन रूट, जो कि जाता है बोधी नायक कन्नूर तक। आज की जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो होने वाली है 20601 MTR चेन्नई सेंट्रल बोधी नायक कन्नूर AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और ये शायद इंडिया की कुछ ऐसी AC सुपरफास्ट ट्रेन में से एक है जिसमें नॉन AC के डब्बे भी लगे हुए हैं। तो आज की हमारी ये ट्रेन होने वाली है। पहले ये ट्रेन चला करती थी केवल मदुरई तक और एक AC सुपरफास्ट हुआ करती थी, बट रिसेंटली जब बोधी नायक कन्नूर का रूट ओपन हुआ तो इस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया बोधी तक। अगर बात करें मदुरई की, तो मदुरई तमिलनाडु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और यहाँ का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो है मदुरई जंक्शन। मदुरई जंक्शन लाई डाउन करता है चेन्नई नागरकोइल मेन लाइन पे, जहाँ पे ये रूट कनेक्ट करता है चेन्नई को कन्याकुमारी, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उससे। मदुरई जंक्शन से एक रूट जो है वो रामेश्वरम की तरफ भी चला जाता है, जो कि इंडिया का लास्ट लैंड भी कहा जाता है टुवर्ड्स श्रीलंका। और एक रूट जो है, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, वो है मदुरई से बोधी नायक कन्नूर की ब्रांच लाइन, जहाँ पे आज हम ये यात्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पे रोयापुरम का वेब 7 जो हमारी ट्रेन को मदुरई तक लेके आया था उसे डिटैच कर दिया गया है और ये अब आगे जा रहा है। और अब उधर से कोई ना कोई डीजल लोकोमोटिव आएगा जो हमारी ट्रेन से अटैच किया जाएगा। लोगों की बात हो रही थी और शायद यही वो डीजल लोकोमोटिव है, वो जा रहा है अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और ये है डीजल लोकोमोटिव जो प्रोबेबली हमारी ट्रेन के साथ अटैच होने वाला है, गोल्डन रॉक शेड का 40180WDP4D। इलेक्ट्रिक लिंक एंड डीजल लिंक बोथ इन वन ट्रेन। तो वो रहा हमारी ट्रेन का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेब 7 जो हमारी ट्रेन को यहाँ तक लेकर आया था। और हमारी ट्रेन में अब जो डीजल लोकोमोटिव है वो अटैच कर दिया जा चुका है और अब से शायद कुछ ही देर में हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। घड़ी पे टाइम हो रहा है 7:41 और हम डिपार्ट कर रहे हैं मदुरई से। साथ में पैरेलल डिपार्चर हो रहा है हमारी एक फ्रेट ट्रेन के साथ और ये हमारे सामने खड़ी है मदुरई तेनी
सॉरी मदुरई बोधी पैसेंजर जो इस ट्रेन के कुछ देर बाद ही डिपार्ट करती है, तो पीछे से ये ट्रेन भी हमें फॉलोअप करेगी और शायद इसका मैं आपको बोधी अराइवल भी दिखाऊंगा। 7:42 पर लगभग 20 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन जो है वो मदुरई से डिपार्ट कर चुकी है और यहाँ से हम ब्रांच लाइन लेंगे जो जाती है टुवर्ड्स तेनी एंड फर्दर बोधी। और साइड में जो आपको ये फ्रेट दिख रही है, ये फ्रेट जा रही है टुवर्ड्स आगे, ये जो रूट है ये चला जाता है विरुधुनगर होते हुए आगे हमारा तिरुनेलवेली और तिरुवनंतपुरम तक, तिरुवनंतपुरम या फिर बोल लो इंडिया का जो लास्ट स्टेशन है कन्याकुमारी वहाँ तक। तो वो जो फ्रेट भी है वो है रामेश्वरम लाइन आई गेस। ये जो लाइन्स हैं ये जाती हैं विरुधुनगर होते हुए आगे नागरकोइल जंक्शन की तरफ और हम जा रहे हैं अभी बोधी वाले रूट पे। अभी मदुरई से डिपार्चर हुए हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट हुए हैं और अभी देख सकते हो साथ में हमारे जो माउंटेन रेंज है ना वो शुरू हो चुकी है और आगे जाके हम लोग शायद यहाँ से विजिबल हो, अगर देख सकते हो तो ट्राई करता हूँ दिखाने का। उधर आपको कहीं वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ दिख रहे होंगे, तो हमारी ट्रेन पूरा वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ के बीच में भी होते हुए और एंड में बोधी जो कि वेस्टर्न घाट्स के बाजू में ही बसा हुआ है वहाँ पर जाके हमारी ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब जो इस जर्नी का मेन जो सबसे स्पेक्टेकुलर हाईलाइट है ना वो है इस ट्रेन के जो नज़ारे ना, इस रूट के जो नज़ारे हैं ना वो, तो मतलब बहुत ही बेहद खूबसूरत रूट है। और आगे अभी धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ये कोई छोटा सा हॉल्ट स्टेशन है जिसका नाम है वाडा पलांजी, छोटा सा हॉल्ट स्टेशन वाडा पलांजी। यहाँ पे हमारी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है बट हमारी ट्रेन को रोका गया है। अब इसका कोई भी रीज़न हो सकता है क्योंकि लाइन पूरी क्लियर है, यहाँ पे ट्रेन को बस स्लो डाउन किया गया है, शायद कोई उतरेगा, कोई बोर्ड कर रहा हो, कोई रेलवे का पर्सनल, बट ट्रेन स्लो ज़रूर हुई बट रुकी नहीं। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस रूट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये रूट बनाया कब गया था। तो इस रूट को पहली बार बनाया गया था इंडिया ईयर 1909 जब पहली बार बोधी और तेनी को कनेक्ट किया गया था नैरो गेज रूट के थ्रू। उस टाइम पे नैरो गेज ट्रेन चला करती थी बोधी और तेनी के बीच में। फिर आई गेस वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में इस रूट को डिसमेंटल कर दिया गया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर से मदुरई और बोधी के बीच में एक मीटर गेज ट्रैक का निर्माण हुआ जहाँ पर मीटर गेज ट्रेन ऑपरेट होती थी। फिर इन द ईयर 2011 इस रूट को फाइनली गेज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया जहाँ पे ब्रॉड गेज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। अब मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है बट मदुरई और तेनी के बीच में पहली ब्रॉड गेज ट्रेन आई गेस 1 या 2 साल पहले चली। एंड फाइनली जो पूरा का पूरा रूट है यानी कि मदुरई से लेकर बोधी का रूट वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 महीने पहले जो है ट्रेन सर्विसेज शुरू हो गई। तो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स या 13 ईयर्स के बाद इस रूट पे जो है मीटर गेज ट्रेन्स के बंद होने के बाद ब्रॉड गेज ट्रेन्स का परिचालन वापस से शुरू हो पाया है। और अभी हमारी ट्रेन बढ़ रही है तेनी की तरफ। स्पीड जो है इस सेक्शन पे वो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल 80 अभी तक टॉप जो स्पीड है वो भी आई गेस 60 या 70 तक ही टच किया ट्रेन ने, नहीं तो नॉर्मली पूरा रास्ता जो है अभी ट्रेन क्रॉल करते हुए चल रही है। Thank you.
और मैं सही बोलूँ ना तो ट्रैक की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ट्रेन बहुत ज़्यादा शेक कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मीटर गेज ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। अभी मे भी हो सकता है ये छोटे से सेक्शन के लिए ऐसा हो, बट यहाँ पे जो ट्रेन है ना आगे का देख सकते हो आप SLR कैसे एकदम डोल रहा है। भाई ट्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली इसी स्पीड पे कब से चल रही है, अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करके चल रही है इस रूट पे ये ट्रेन। तो इस जर्नी का पहला हॉल्ट उसीलाम पट्टी, बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन रेंज है, प्लेटफॉर्म इस साइड है। ये बैकग्राउंड के माउंटेन रेंज देखो क्या खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन लगा मुझे और बहुत ही छोटा और पीसफुल सा रेलवे स्टेशन है। ट्रेन्स बहुत ज़्यादा नहीं है सेक्शन पे, इसलिए खाली खाली सा भी है। उसी लाम पट्टी छोटा सा स्टेशन और इस जर्नी का पहला हॉल्ट, और ऐसे टोटल अपने 4 हॉल्ट्स होने वाले हैं आई गेस। उसी लाम पट्टी, उसके बाद एक स्टेशन है कोई, उसके बाद तेनी और उसके बाद बोदी। और ये डे की पहली ट्रेन है जो फ्रॉम मदुरई टू बोदी जाती है, और इसके पीछे अभी एक पैसेंजर भी आएगी। Yeah.
और यार बहुत ही एक खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त रन के बाद हम आ चुके हैं आंदीपट्टी, जो इस रूट का दूसरा स्टॉप है और इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप है। और जो नज़ारे थे ना भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त थे। वेस्टर्न घाट्स तो नहीं बोल सकते, बट वेस्टर्न घाट्स के ही फुट हिल्स वाले जो पहाड़ होते हैं ना, वो थे। और मेन वेस्टर्न घाट्स आपको दिखाता हूँ मैं, आपको उधर कहीं दिख रहा होगा वो ऊँचे ऊँचे पर्वत, वो है मेन वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे आंदीपट्टी पे हमारा अराइवल हो चुका है, सिग्नल जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। बाहर जाता हूँ, देखता हूँ स्टेशन कैसा दिख रहा है। और आंदीपट्टी से निकलते ही थोड़े बहुत जो विंड मिल्स है ना, विंड टर्बाइंस है, वो भी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि आंदीपट्टी से मेन लाइन डिपार्चर है हमारा, तो पूरी रफ्तार में ट्रेन नॉच पे हमने पकड़ ली है और पूरी रफ्तार से डिपार्ट कर रही है। तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुँचे हैं तेनी, जो पेनअल्टीमेट हॉल्ट है इस रूट का। और मदुरई से तेनी की जो ट्रेन सर्विसेज थी ना, ब्रॉडगेज ट्रेन सर्विसेज, वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। आई गेस, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऑलमोस्ट एक दो साल तो हो गया होगा। और जो तेनी के आगे बोधी तक का सेक्शन है ना, वो रिसेंटली ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट एक महीने हुए हैं। तो जो मोस्ट ऑफ़ द क्राउड है ना इस ट्रेन का, वो यहीं पर डिबोर्ड कर देता है। आगे आप देख सकते हो कोच में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, गिने चुने बस कुछ लोग बचे हुए हैं। और यहाँ से भी हमारा निकलने के लिए क्लियरेंस मिल चुका है, और चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपनी इस यात्रा को। डिपार्चर फ्रॉम तेनी रेलवे स्टेशन, सामने देखो, ये सामने पूरा वेस्ट मेन जो वेस्टर्न घाट्स है ना,
ये वो है पूरा, यहाँ से पूरा आइडिया तो नहीं है, बट मैंने कहीं तो ऐसा पढ़ा था कि बोधी से सबसे नियरेस्ट है मुन्नार हिल स्टेशन। तो ये जो अपने वेस्टर्न घाट्स है ना, इन्हीं में कहीं पीछे है अपना मुन्नार, जो कि बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है और एक हिल स्टेशन भी है, केरला में है। अभी हम जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा तमिलनाडु का पार्ट है, और इसके अपोजिट साइड में जो होगा वो पूरा केरला का पार्ट होगा। तो तेनी से अपना डिपार्चर हो रहा है और अपना अगला स्टॉप जो है वो है बोधिनायक कन्नूर। तो दोस्तों फाइनली हमारा अराइवल हो चुका है बोधिनायक कन्नूर पे, और हमारी जर्नी का यही एंड होता है। बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ, और हमारी ट्रेन का जो लोको है वो रिवर्स हो रहा है, और स्टेशन की खूबसूरती देखो। यहाँ से जो हिल स्टेशन है ना, जो भी हिल स्टेशन लाइक मुन्नार है, मुझे पता नहीं है कौन कौन सा हिल स्टेशन है, बट लाइक मुन्नार बहुत पास में है, और भी जो केरला के हिल स्टेशन से वेस्टर्न घाट में, वो यहाँ से बहुत पास में है। अब लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है, वो पता करना पड़ेगा, बट फॉर श्योरली एक दो लोकल से मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से मुन्नार जा सकते हो, तो ऑब्वियसली लोकल ट्रांसपोर्ट होगा ही होगा। चलते हैं स्टेशन के बाहर, देखता हूँ स्टेशन की बिल्डिंग कैसी है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। बहुत ही नया नया स्टेशन है, केवल एक महीने हुए खुले हुए, तो अभी बिल्कुल नया नया वेला सा दिख रहा है। तो ये है बोधी का छोटा सा रेलवे स्टेशन, बोधिनायक कन्नूर, बोधिनायक कन्नूर। और यहाँ पे बस भी है, बस आई एम नॉट श्योर वो कहाँ तक जाएगी, और ये जीप वाले जो भैया है ये तो पक्का मुन्नार की तरफ ही जाएंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो ऐसा कुछ दिखता है, और यहीं पे अपनी जर्नी एंड होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और नए सफ़र पे, इस जर्नी के लिए इतना ही। अभी आएगी सामने से जो हम डिपार्ट कर रहे थे मदुरई से, तब मदुरई के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी, सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 पे खड़ी थी मदुरई बोधी पैसेंजर, वो भी अभी कुछ देर में आएगी, तो वो मैं लास्ट में दिखाऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।